चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को मंच कला संगीत विभाग द्वारा शास्त्रीय संगीत में रामचरितमानस की उपयोगिता के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों के लिए विद्यालय की छात्राओं द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स की चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय की चित्रकला शिक्षिका डॉक्टर रेखा रानी शर्मा के नेतृत्व में किया गया। अतिथियों को महाविद्यालय में कला से रूबरू कराने और प्रोत्साहन के लिए लगाई गई प्रदर्शनी में मधुबनी पेंटिंग को खास महत्व दिया गया। विद्यालय की लगभग 150 छात्राओं द्वारा मधुबनी पेंटिंग जूट पर गोबर मिट्टी और फेविकोल का लेप लगाकर वाटर कलर से पेंटिंग के माध्यम से बनाई गई, जो देखने में सुंदर और मनमोहक लगते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर रेखा रानी शर्मा ने कहा, ये बेस जो है वो गोरे हैं, जूट पे गोबर मिट्टी से देसी काम में किया, जो मधुबनी में स्पेशली होती थी उसको हम योगी जी की पेंटिंग बनाई है। चूँकि योगी जी आज हमारे गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं और इनको मैं उन्हीं को देना चाहती हूँ गिफ्ट के तौर पे, तो ये मेरी उपलब्धि है कि मैं इनको अपने हाथों से दे पाऊँगी कि नहीं, लेकिन कोशिश मैंने किया है कि अपने कलर और कैनवास के माध्यम से उनकी हूबहू शक्ल को उतार दीजिए। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा सर, ये आज संगीत विभाग द्वारा कार्यक्रम कराई जा रही है, चूँकि उसमें कुछ मुख्य अतिथि आए हुए हैं, तो उनसे हम अपनी महाविद्यालय में कला से रूबरू कराने के लिए आज मैंने ये प्रदर्शनियाँ लगवाई हैं कि हमारे जो छात्र पूरे सत्र काम करते हैं तो उन्हें अतिथि देखें और उनसे प्रोत्साहित करें, जिससे हमारे बच्चे प्रोत्साहित होकर और आगे काम करें, इसी कामना से हमने ये प्रदर्शनी लगाने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री जी के लिए आपने प्रतिमा लगाई? जी सर, मैंने खुद मुख्यमंत्री जी की पेंटिंग बनाई है, जो ऑयल पेंटिंग से कोशिश की हूँ कि खुद उनकी जो चेहरे हैं वो कैनवास पे उभरे, क्योंकि जब मैं खुद काम करूँगी और जब बच्चे देखेंगे तो कोशिश यही करेंगे कि जब मेरी मैडम कर सकती हैं तो मैं उनसे बेहतर कर सकती हूँ, तो बच्चों को बेहतर बनाने के लिए मैंने उनकी पेंटिंग बनानी है। मधुबनी पेंटिंग की खासियत जी, मधुबनी की ये है कि हमारी जो परंपरा है भारतीय संस्कृति की, चूँकि यह समाप्त होती जा रही है और चूँकि आजकल आधुनिकता का युग है, तो हर तरह के सामानों का प्रयोग हो रहा है, जैसे हम कैनवास कागज पे काम कर रहे हैं, जो गोबर मिट्टी का काम था, जो वाल पे भित्तियाँ बनाई जाते थे वो समाप्त हो रही है, तो मैंने एक बेस तैयार कराया है जूट पे गोबर मिट्टी और फेविकोल का लेप लगवा के और उस पे बच्चों से वाटर कलर पे से काम कराती कि वो हमारी संस्कृति बची रहे, जो वाल पे पहले भित्तियाँ चित्र बना करती थी वो आज भी जिंदा रहे, इसलिए मैं अपने जो विषय है उसमें उसको शामिल कर लें। छात्राओं के सहयोग से पेंटिंग बनी है? छात्राएं चूँकि हमारे वहाँ करीब 150 फाइन आर्ट में 150 के लगभग छात्राएं हैं, और चूँकि ये अचानक से प्रोग्राम था तो जो भी बच्चे की पेंटिंग यहाँ मौजूद थी और उसको मैंने प्रदर्शित कराया।